हाय एवरीवन, अंकिता के सेवन स्पाइसेस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी, एकदम क्रीमी टेक्सचर रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें डलता है लॉट्स ऑफ बटर एंड क्रीम, एंड इसमें बहुत सारे टिप्स दूंगी आपको। आपकी दाल बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी अगर आप मेरे टिप्स यूज़ करेंगे। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं दाल मखनी की रेसिपी। ये होल उड़द दाल है, साबुत उड़द दाल, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। और ये देखिए ऐसी हो गई है। इसे बहुत अच्छे से धोना है 3-4 बार, जब तक ये इतना क्लीन पानी नहीं हो जाता है। बेसिकली इसे एक दिन पहले पूरा दिन भिगोना पड़ता है। आप मॉर्निंग में भिगोएंगे अगर गर्म पानी में, तब ये शाम को बॉयल होके, वैसे तो इसे कुकर में विसल लेना ही नहीं चाहिए, इसे डायरेक्टली तंदूर में ही बॉईल किया जाता है, बट हमारे पास घर पर तंदूर होता नहीं है। इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, एंड इसके साथ मैंने ये 3/4 राजमा लिया है, इसे भी मैंने रात भर भिगो दिया था, एंड अब हम इसमें कुकर में बॉईल करने रख देते हैं। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ। ये बटर इसमें ऐड कर देंगे बॉईल करते वक्त। इसमें एक पोटली बना के हम डालेंगे, जिसमें मैंने सारे साबुत मसाले लिए हैं। ये बे लीफ ली है, ये स्टार फूल, और ये 4 करी लहसुन की बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 3 लौंग और 3 काली मिर्च, जावित्री, ये सब की मैं पोटली बना के और दाल में बॉईल करते वक्त ऐड कर दूँगी। दाल एकदम अच्छे से बॉईल हो गई है, अभी इसमें इसे मैंने इस कढ़ाई में निकाल दिया है। इस दाल के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, इसे आराम से आधा घंटा बॉईल होने देते हैं एकदम मीडियम आंच पे, एंड कवर करके रख देते हैं। हाफ एन आवर हो गया है, पोटली निकाल देते हैं। देखिए दाल कितने अच्छे से मैश हो गई है। इसमें हमें मेन यही ध्यान रखना है कि राजमा का छिलका निकलना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने 3 ही विसल्स ली थी। धीमे धीमे इसे बस ऐसे हिलाते रहेंगे बीच बीच में से खोल के, एंड चलिए अब ग्रेवी रेडी करते हैं। दाल मखनी की ग्रेवी के लिए मैंने ये जिंजर लिया है, गार्लिक लिया है और ग्रीन चिली ली है। मैं इसकी ग्रेवी बना देती हूँ। घी ऐड करेंगे, एंड बटर ऐड करेंगे। दाल मखनी में काफ़ी सारा बटर होता है, पर छोकन के लिए हम थोड़ा घी यूज़ करेंगे, एंड बाद में बहुत सारा बटर इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून जितना इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे से तड़कने लगे उसके बाद ही इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। दाल मखनी में लहसुन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, एकदम मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे एटलीस्ट 5 मिनट्स। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ में लें जिसका थोड़ा कलर अच्छा होता है।
ये गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है और ये जीरा पाउडर। मसालों को ज़्यादा जलाना नहीं है। एंड अब इसमें मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें कैंड वाली टमाटो प्यूरी भी यूज़ में ले सकते हैं, जो प्रिजर्वेटिव आती है उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, बट मैंने इसमें फ्रेश टमाटो प्यूरी यूज़ में ली है। टमाटो उसको बॉईल करके पील करके फिर मैंने उसे मिक्सर में पीसा है। देखिए इसमें कलर बहुत अच्छा आ गया है एंड मेरा घी और बटर भी ऊपर आ गया है। फिर भी इसे एकदम मीडियम फ्लेम पर बनने देंगे। दाल मखनी बहुत टाइम लेती है एंड इसकी ग्रेवी भी इतना ही टाइम लेती है। इसे मीडियम फ्लेम पे एटलीस्ट 10 मिनट और पकने देंगे, जब तक टमाटर की प्यूरी बिल्कुल रेडी नहीं हो जाती है। दाल में जो बटर ऐड किया था उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एंड अब इसमें ये ग्रेवी ऐड कर देते हैं। एकदम धीरे धीरे इसे कंटिन्यू हिलाना है। थोड़ी कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे। उसी सेम पैन में जिसमें मैंने ग्रेवी बनाई थी मैं इसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा जीरा, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ी कसूरी मेथी। एंड ये छौंकन दाल में ऐड कर देते हैं। और नाउ इसमें ऐड करेंगे बटर। जितना बटर ऐड करेंगे दाल मखनी उतनी ही टेस्टी बनेगी। ऐसे ऐसे कंटिन्यू थोड़ी देर हिलाना है ताकि ये दाल घुट जाए। 3/4 कप क्रीम जितनी मैंने इसमें ऐड की है। क्रीम डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाना है। एंड उसके बाद 1 ग्लास पानी इसमें ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देते हैं। 15 मिनट्स हो चुके हैं, दाल एकदम अच्छे से रेडी हो गई है एंड अब इसे सर्व कर देते हैं।